हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा बेसिक मैथ का चल रहा है स्टूडेंट्स, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला और उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला सेंट्रोइड एंड मिड पॉइंट, जहाँ से हम लोग स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एरिया और कॉलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला पे फोकस करते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। लिखिए स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी लाइन जब उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाए, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जब उसे दो तरीके से डिवाइड किया जाए, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। मतलब एक लाइन को दो पॉइंट के बीच में कहीं से डिवाइड कर देंगे, और दूसरा तरीका होगा स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट को आगे बढ़ाने पर अगर कहीं पर वो कट रहा है, तब इस प्रकार का जो इक्वेशन होगा, इस प्रकार का जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला आज हम बताने वाला है स्टूडेंट्स। जी कि पहला होगा स्टूडेंट्स इफ इंटरनली डिवाइडेड, ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट्स ए और पॉइंट ये बी, इसका स्टूडेंट कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स एक्स टू और वाई टू। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा लाइन है ए बी, इसको इंटरनली डिवाइड किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इसको कहीं बीच में, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि बीच में, लेकिन इस दोनों के बीच में कहीं भी इसको डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स सी, और ये जो सी है इस ए बी लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वह रेशियो एम रेशियो एम। मतलब ये जो सी है इधर एम और इधर एम रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स, इस सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो हमें यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि ये जो जहां पे डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जिस तरह से ये पॉइंट ए में कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने उस कोऑर्डिनेट को मान लिया एक्स और वाई, तो इंटरनली डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन एम प्लस एम। जब कोई लाइन को, कोई बिंदु, कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, तब एक्स कोऑर्डिनेट होगा एम को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू से और एम को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन से। मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स के फॉर्म में होगा और वाई का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट वाई के फॉर्म में होगा। तो इंटरनली डिवाइड है इसलिए हम इसको प्लस करके लिखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ y ये हो जाएगा आपका एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, सॉरी प्लस में होगा। तो x का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स ये होगा और y का कोऑर्डिनेट ये होगा। मतलब x का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स x के फॉर्म में और y का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स y के फॉर्म में होगा ना। ये फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर, इफ एक्सटर्नली डिवाइडेड, तो स्टूडेंट्स उसी प्रकार से एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये लाइन हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन स्टूडेंट ले लेते हैं, और ये हमारा स्टूडेंट्स बी है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स टू वाई टू। अब स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना है, ए और बी के बीच में कोई लाइन नहीं लेंगे हम, इस लाइन को आगे स्टूडेंट्स बढ़ा देते हैं हल्का,
इस तरह से यहां तक ना, मतलब इस लाइन के स्टूडेंट यहां तक बढ़ा दिए। ये जो पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और y होगा। तो हमने यहां पे हेडिंग दे दिया कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स C पॉइंट का, इस x का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो लिखेंगे यहां स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ x। स्टूडेंट्स x का जो कोऑर्डिनेट होगा, हां एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रेशियो m और n में होगा, तो m को हमेशा डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स ये वाले पार से, है ना। रेशियो m का पार्ट इधर है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा x1 से और n मल्टीप्लाई होगा x2 से, ना है। देखो यहां पर लिखे नहीं, ये वाला पार्ट से स्टूडेंट मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा बाबू m x2 minus m x1 upon m minus n। स्टूडेंट्स जब भी एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो हम उसमें माइनस करके लिखते हैं, मतलब यही फार्मूला होता है, बस इसको माइनस करके लिख दिया जाता है। एंड y कोऑर्डिनेट बराबर होगा m y2 minus n y1 upon m minus n। तो यही सी कहते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मतलब क्या, डिवाइड करना, काटना, मतलब एक लाइन को जब इंटरनली डिवाइड किया जाएगा तो हमारा ये होगा कोऑर्डिनेट, ना। अगर उसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया जाएगा, मतलब किसी एक पॉइंट को बी को आगे बढ़ाने पे या फिर ए को आगे बढ़ाने पे, जब वो कहीं पे कटता है तो सी बिंदु पे कटा, तो सी को हमने मान लिया एक्स वाई, तो इसका जो सेक्शन फार्मूला होगा स्टूडेंट्स यानी कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये और वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स अगला पॉइंट, सॉरी अगला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। देखिए स्टूडेंट मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। अगर कोई एक लाइन है, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको स्टूडेंट्स ए मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हम एक्स वन और वाई वन और B का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स x2 y2, मिड पॉइंट कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा लाइन जिसका बीच का बिंदु, ना, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जब उसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तब वो मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट बोला जा रहा है, तो उसी को कहते हैं मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि इस बीच का जो होगा पॉइंट स्टूडेंट ये C, इसको मान लेते हैं x और y, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स x y कोऑर्डिनेट, हमें यही पॉइंट मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो जब एक लाइन को बीच में डिवाइड किया जाए तो उसी को कहते हैं मिड पॉइंट। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x, होता है स्टूडेंट्स x1 plus x2 by 2, दो भागों में डिवाइड है इसलिए दो से डिवाइड करेंगे, और कोऑर्डिनेट ऑफ y स्टूडेंट हो जाएगा y के फॉर्म, तो y1 plus y2 by 2, तो से इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए इसका मिड पॉइंट लिख सकते हैं, इसीलिए मिड पॉइंट इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा x और y, इतना बराबर। x का क्या है स्टूडेंट्स, x का है x1 plus x2 by 2 और y का स्टूडेंट्स है y1 plus y2 by 2, यही है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट। जब भी एक लाइन दिया रहेगा और ये कोऑर्डिनेट दिया है और बीच का बिंदु जब स्टूडेंट पूछे तो अब इसी तरह से क्या करिएगा, x1 y1 को जोड़ के दो से भाग देंगे तो x का बिंदु निकल जाएगा और y1 और y2 को जोड़ के दो से भाग देंगे तो स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी हमारा जो ये बिंदु है C, इसका जो मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हो जाएगा x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2, ना समझ गए। इसका जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट्स जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके लाइन का, उसमें भी जरूरत पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स लिखिए अगला पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स
सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ना, ट्रायंगल का स्टूडेंट सेंट्रोइड। सबसे पहले ट्रायंगल पहले बना लीजिए तब समझ में आएगा अच्छा से। एक ट्रायंगल इस तरह से बनाइए स्टूडेंट्स, मिला लीजिए, इसको नाम दीजिए ए, इसका बी और इसका सी। सबका कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा, ए का कोऑर्डिनेट ये शीर्ष जो है इसका हो जाएगा एक्स वन और वाई वन, बी का स्टूडेंट लेते हैं एक्स टू और वाई टू, और सी का ले लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री। स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है त्रिभुज और हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ए बी सी का हमने कोऑर्डिनेट अपने मन से लिख लिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। सेंट्रोइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब इस पॉइंट से एक लाइन इस पर और इससे इसको मतलब समझो विभाजित करते हुए इस लाइन को खींचेंगे और इस बीच में जहां पर एक दूसरे को काटता है स्टूडेंट वही उसका सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, अरे यार उधर जाओ स्टूडेंट्स, इसको यहां से खींचेंगे और यहां से इसको इधर खींचेंगे स्टूडेंट्स, और यहां से इसको ऐसे करके खींचेंगे तो देखिए पॉइंट ओ पे जो है इसको काटता है। यही पॉइंट का स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करना है, इसी को कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं इसको, मतलब इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रोइड, मतलब जब तीनों लाइन ए बी और सी से हम लोग खींचते हैं स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसको समद्विभाजित करके खींचते हैं तो तीनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं अच्छा सेंट्रोइड की बात कर रहा है तो हम हाँ वो मान लीजिए इसको लिखेंगे, चूंकि इसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ओ बराबर, मतलब ओ का रूल। स्टूडेंट देखिए इधर से आ रहा है एक्स वन, इधर से जा रहा है एक्स थ्री और इधर से जा रहा है एक्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय कितना बिंदु है, तीन बिंदु है इसलिए तीन से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब y का ये x का कोऑर्डिनेट हुआ ना, यहाँ पे बिंदु तीनों x का कट रहा है, अब y का स्टूडेंट लिखेंगे तो हो जाएगा y1 plus y2 plus y3 by 3, यही सेंट्रोइड है स्टूडेंट। जब भी कोई ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछे तो x के जितने भी तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीन से भाग दे देना और फिर y के कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीन से भाग दे देना स्टूडेंट्स, यही आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हेडिंग देते हैं एरिया ना, सेंट्रोइड के बाद हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगल ए, इसका है एक्स वन वाई वन, ये बी है स्टूडेंट्स एक्स टू वाई टू और ये सी है स्टूडेंट्स एक्स थ्री वाई थ्री, इसका हमें एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। एक चीज ध्यान रखिएगा ये इसका हाइट है ना, जो कि डी पे इसको मिल रहा है, ये हमारा हाइट है एच। आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे क्यों, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसीलिए। हाँ अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो आपको पता ही है कि हम कितना डिटेल से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास है यानी हमें वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना छोटा वीडियो बने ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा सीखने का प्रयास करो। लेकिन अगर हम वो सारे बात सिखाने के लिए ऑनलाइन में एग्री हो जाएं स्टूडेंट, जो कि मैं ऑफलाइन में जिस तरह से पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ, अगर उसी वो सारी बात अगर मैं ऑनलाइन में इस तरह से वीडियो अपलोड करके इसमें लिखने लगूँ तो पता चलेगा स्टूडेंट्स कि एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 वीडियो बन गया ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो फार्मूला सिर्फ लिखते हैं स्टूडेंट्स एरिया का, हम दो तरीके से इसका एरिया का फार्मूला आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस ए बी सी का जो ट्रायंगल का एरिया होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 बटा 2, ये एक्स वन, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये वाई वन माइनस सॉरी वाई थ्री होता है वाई टू, वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स और लिखेंगे एक्स टू और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर स्टूडेंट्स
x3, यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स y1 minus y2। ये एरिया का फार्मूला है। अब बहुत सारे बच्चे को ये याद नहीं रहता स्टूडेंट्स ना कि सब कैसे याद करेंगे, ये तो आसान है स्टूडेंट्स। हम यहाँ हर जगह ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 सीरियल गया है। x1 में हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट, y2 में से y3 को घटाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए इसमें y3 जो लास्ट हो रहा है y3 यहां से स्टार्ट करेंगे y3 अब minus y1। फिर देखिए थर्ड में स्टूडेंट्स y1 लास्ट हो गया तो यहां फर्स्ट हो जाएगा y1 minus y2। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए एरिया निकालने का जो है हम एक दूसरा फार्मूला भी देते हैं स्टूडेंट्स, यही चीज मालूम हो जाएगा। जब आप इसको भूल जाते हो, आपको अगर याद नहीं है कि हमेशा ये भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड देता हूं, उसको भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, पढ़े थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़े थे। तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे एरिया बराबर हाफ डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x1 x2 x3, तो स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद या फिर स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं आप x1 x2 x3, जैसे आपको मालूम है लिख सकते हैं, या तो x1 x2 x3 ऐसे करके लिखिए या तो इस तरह से लिख दीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके नीचे लिखेंगे स्टूडेंट y1 y2 y3, अब अपने मन से 1 1 1 लिख दीजिए, ठीक है। पहला रो में लिखेंगे x1 x2 x3, दूसरे रो में स्टूडेंट लिखेंगे y1 y2 y3, और तीसरे रो में लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 1 1। कुछ बच्चे कहेगा सर हम ऐसे नहीं लिख के, ऐसे करके लिखे तो लिख सकते हैं, बस हम तरीका आपको बताना है और तरीका उसको आप समझिए कि कैसे कैसे हम इसको लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट यहां हो जाएगा x1 x2 x3, यहां हो जाएगा y1 y2 y3 1 1 1 ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे 1 by 2 बड़ी ब्रैकेट दीजिए स्टूडेंट्स, पहला नंबर x1 लेते हैं x1, आपको पता होगा स्टूडेंट्स जब भी x1, x1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो को छोड़ देना है और फर्स्ट कॉलम को, तो मतलब इस सब को छोड़ रहे तो क्या बच रहा है y1 1 y2 1 और y3 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस, और y3 को स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 ही होगा ना। हम फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पहला प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, इधर से भी चलेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो हम x के फर्स्ट कॉलम के अबाउट x को एक्सपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अब x2 माइनस x2 ना, माइनस देंगे चेंज x2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से ये लाइन को छोड़ना होगा और इस लाइन को छोड़ना होगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स y1 माइनस ये इसके साथ और ये सॉरी ये लाइन खत्म हो रहा है ये लाइन, तो y ये y3 हो जाएगा y3 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लिखेंगे यहां से प्लस का चिन्ह देंगे और यहां लिखेंगे x3, ये बना तो इस लाइन को छोड़ना और इस लाइन को छोड़ना, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y1 माइनस y2। आपको कि सर पहला वाला जो फार्मूला लिखे थे सब तो सही है, लेकिन सेकंड वाला जो है इसमें आप प्लस दिए थे लेकिन यहां माइनस है। स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट में ध्यान दीजिए ना, वहां वहां पे लिखे थे y3 माइनस y1, हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 by 2 x1 y2 minus y3। अब यहां से स्टूडेंट हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका x2 और ये फिर बदल लेगा अपना प्लस चेंज कर लेगा, ये हो जाएगा y3 minus y1, अब प्लस जो है इसको ऐसे रख लेंगे x3 और y1 और minus y2। आई थिंक कि ये फॉर्मूला आप नहीं भूलोगे, ठीक है। जब भी आप फॉर्मूला भूलने का प्रयास करोगे तो ये वाला चलाएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो एरिया हम दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको याद था वो भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डिटरमिनेंट में कोऑर्डिनेट को लिख कर और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए किसी रो या कॉलम के अबाउट और कैलकुलेशन कर दीजिए, जो वैल्यू फाइंड होगा वही आपका एरिया होगा। टेस्ट को मिटाते हैं स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स विचार करते हैं ना। सब
पहले देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लिखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-5-4-6। ठीक है स्टूडेंट्स, अबे यार क्या हो जाता है, एक मिनट स्टूडेंट्स। ए नंबर कहा गया स्टूडेंट्स, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3 और बी नंबर है स्टूडेंट्स एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के व्यू से कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है स्टूडेंट्स, कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये स्टूडेंट्स आपका पॉइंट दिया गया है 3-5 और 4-6। ठीक है, क्या बज रहा ना। और ए नंबर में कहता है स्टूडेंट्स इंटरनली रेशियो दिया है, ये जो रेशियो दिया है ये एम रेशियो एन है, और दूसरा है एक्सटर्नली डिवाइडेड और रेशियो दिया है 4:1। ये जो रेशियो दिया है स्टूडेंट ये m और n का वैल्यू दिया है, और ये जो स्टूडेंट वैल्यू दिया है ये x1 y1 और x2 और y2 का। देखिए स्टूडेंट्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से, ए नंबर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम मान लेते हैं a, और a का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट है 3-5 और एक बड़ा सा खींच लेते हैं, और b का जो है स्टूडेंट्स -4-6 है। ए नंबर में कहता है इंटरनली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कहीं पे इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, और इसका नाम दे दीजिए c। ठीक है, और इसी का कोऑर्डिनेट हमें x और y फाइंड करना है, और कहता है स्टूडेंट्स इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m बराबर स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया है 2 और n बराबर यहाँ दिया है स्टूडेंट 3। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट लिखा है तो ये m दिया है, सेकेंड लिखा है तो ये n दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने बना है इंटरनली हो रहा है तो इससे प्लस हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n। ये हो जाएगा स्टूडेंट m का वैल्यू कितना 2 और मल्टीप्लाई x2, मतलब ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, तो ये है -4 प्लस देंगे स्टूडेंट n का वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 यहां पे स्टूडेंट 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय m + n, तो 3 और प्लस 2 यानी 2 + 3। तो स्टूडेंट्स इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 4 × 8 -8 प्लस 3 × 9 और बाय 5, तो ऊपर में 1 बच रहा है, स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो x का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हो जाएगा 1/5 ना। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ y ये हो जाएगा स्टूडेंट्स my2 + ny1 / m + n, ये स्टूडेंट हो जाएगा 2 × y2, तो y2 में हो जाएगा 6 अब प्लस 3 अब मल्टीप्लाई y1 हो जाएगा मेरा -5 बाय m प्लस 2 + 3 6 × 12 अब प्लस अब कौन किया 15, तो स्टूडेंट्स माइनस में है तो -15 यहाँ बच रहा है कितना -3 और नीचे 5 स्टूडेंट हो जाएगा -3/5। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, जब भी इंटरनली ये डिवाइड हो स्टूडेंट्स और कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो हम इस तरह से फार्मूला पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या
अब स्टूडेंट्स अब बी नंबर ना इसको हम लेते हैं बी मान लेते हैं और इसको आगे स्टूडेंट हल्का बढ़ा देते हैं कहां तक सी तक। इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई ना, और बी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है बी का है -4 6। इसको m रेशियो n में इसको डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, यहां से ये n बराबर है हमारा 3। अब इंटरनल एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो यहां पे माइनस होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ x, x का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका m x के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट्स x2, और माइनस होगा क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो mx1 बाय m माइनस n नीचे भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू स्टूडेंट्स -4 अब माइनस 3 मल्टीप्लाई x1 स्टूडेंट्स 3 बाय 2 -3। जब इसको कैलकुलेशन करेगा स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 2 8 -8 और 3 3 9 -9 अब -1 ये जगह 9 16 17 -17 बटे -1 कट जाएगा स्टूडेंट्स हो जाएगा यहां +17 ना। अब लिखेंगे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ y, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स my2 -ny1 अपॉन m -n इक्वल, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई y2, अब y2 हमारा क्या है स्टूडेंट्स 6 है तो यहां पर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का चिन्ह देंगे n हमारा 3 है स्टूडेंट लिखेंगे 3 और मल्टीप्लाई y1 y1 हमारा -5 बाय 2 -3 स्टूडेंट 6 2 12 और -5 × -3 प्लस हो जाएगा 15 ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना 5 × 2 = 27 बटे -1 स्टूडेंट हो जाएगा -27। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब उसे इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड किया जाता है तो इसी तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। क्या स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हम रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।